कहानी की शुरुआत में हम मैगी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना घर छोड़कर बाहर जा रही होती है। लेकिन जाने से पहले मैगी अपने फादर को एक मैसेज भेजती है जिसमें उसने लिखा था कि वो इस शहर को छोड़कर जा रही है। अब मैगी के फादर वेड मैगी को ढूंढते हुए शहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी हमें न्यूज से पता चलता है कि उस पूरे शहर में एक वायरस फैल चुका है जिससे सभी लोग इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। तभी कुछ ऑफिसर्स मैगी को पकड़कर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं क्योंकि अब वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड थी। इसके बाद मैगी का फादर बैड उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। यहाँ बैड मैगी से मिलकर काफी इमोशनल होकर रोने लगता है क्योंकि इस वायरस से संक्रमित लोग कुछ दिन बाद ही इंसान को ही खाने लगते हैं। खैर अब बैड मैगी को घर वापस ले जाने लगता है। तभी रास्ते में ये लोग अपनी गाड़ी को रोक कर एक स्टोर के अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देख कर इन्हें काफी अजीब लगता है। लेकिन तभी बैड को एक जॉम्बी दिखाई देता है जो उस पर हमला करता। इससे पहले ही एक हथियार से उस जॉम्बी को मार डालता है और अपनी बेटी मैगी के साथ यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अब ये लोग घर पहुँच जाते हैं जहाँ मैगी की मॉम कैरोलिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मैगी भी उन सबको इन्फेक्टेड कर सकती है। इसलिए वो अपने बच्चों को यहाँ से अपनी आंटी लिंडा के पास भेजने का प्लान करती है। फिर बैड उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा कर लिंडा के पास छोड़ने के लिए जाने लगता है। इसके बाद बैड वापस घर आता है और मैगी को भोजन करने के लिए बोलता है। इस पर मैगी कहती है कि उसे भूख नहीं लगी है इसलिए वो भोजन नहीं करेगी। मैगी बैड से कहती है कि आपको मुझे यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था क्योंकि मैं किसी भी वक्त जॉम्बी बन सकती हूँ जिससे तुम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस पर बैड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे जॉम्बी बनने तक तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट डे मैगी जब गार्डन में झूला झूल रही होती है तभी उसे कुछ जॉम्बी के विजन आने लगते हैं जिससे वो अचानक झूले से गिर जाती है। वहीं पर कैरोलिन ये सब देख लेती है जो दौड़ते हुए मैगी के पास आती है। वो उसे वहाँ से उठाकर घर के अंदर ले जाती है। इसके बाद कैरोलिन डॉक्टर को कॉल करती है क्योंकि अब धीरे धीरे मैगी काफी अजीब होने लगी थी और उसके एक उंगली से ब्लड भी निकलने लगा था। अब ये देखकर मैगी तुरंत किचन में जाती है और अपनी उस उंगली को चाकू से काट देती है। इसके बाद मैगी बाहर जाती है जहाँ उसे दो जॉम्बी दिखाई देते हैं। तभी वहाँ बैड भी आ जाता है जो मैगी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर मैगी जैसे ही यहाँ से जाती है तो बैड उन जॉम्बीज पर कुल्हाड़ी से हमला करके उन्हें मार डालता है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस आती है जो बैड से बताती है कि वो दोनों जॉम्बी इसलिए बने थे क्योंकि उनकी फैमिली में एक बच्चा इस वायरस से इन्फेक्टेड था पर इन दोनों ने उसे क्वारंटीन नहीं किया जिसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली इस जॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई। ये सुनकर बैड काफी हैरान होता है क्योंकि उसने भी मैगी को अपने घर में रखा था जो कि उसी वायरस से इन्फेक्टेड है। अब इनमें से एक ऑफिसर जो कि बैड का फ्रेंड होता है वो कहता है कि तुम्हें भी अपनी बेटी को हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए। इस पर बैड उससे कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटी मैगी को अपने पास ही रखूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बैड मैगी का चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर डॉक्टर मैगी को चेक करने लगते हैं। यहाँ मैगी की तबीयत ठीक होती है लेकिन जब डॉक्टर मैगी के हाथ को चेक करता है तो उसे मैगी का घाव और भी ज्यादा गहरा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद डॉक्टर बैड के पास जाता है और उससे बताता है कि मैगी के अंदर ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है जिससे कुछ देर बाद उसे भूख लगना भी बंद हो जाएगा क्योंकि उसे केवल इंसानी मीट ही खाना अच्छा लगेगा। ये सुनकर बैड काफी परेशान होता है और वो मैगी को हॉस्पिटल से वापस घर ले आता है जहाँ रात में ये सब एक दूसरे से बातें करते हैं। अब नेक्स्ट डे बैड के घर मैगी की फ्रेंड एली आती है जो उसे अपने साथ घूमने के लिए ले जाना चाहती थी। फिर मैगी अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। इसके बाद ये लोग अपने फ्रेंड्स की पार्टी में पहुँचते हैं। तभी मैगी को पता चलता है कि यहाँ एक इन्फेक्टेड लड़का भी है जिसका नाम ट्रेंट है जिसके बाद मैगी उससे बात करने के लिए जाती है। यहाँ ट्रेंट मैगी को बताता है कि जब वो अपने फ्रेंड से मिलने गया था तब उसके फ्रेंड ने उसे एक कार्ड दिया था जिससे वो वायरस धीरे धीरे उसके अंदर भी फैल गया। अब ये दोनों बातें करते करते एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। इसके बाद एली मैगी को घर छोड़ने के लिए जाती है। घर पहुँचने पर एली मैगी को गले लगाती है और उससे नेक्स्ट वीक मिलने के लिए भी कहती है। अब इसके बाद मैगी खुद को एक शीशे में देखती है जिसमें उसका चेहरा काफी अजीब सा हो गया था यानी कि अब वो भी धीरे धीरे जॉम्बी में बदलने लगी थी। तभी मैगी वेट को आवाज लगाती है लेकिन वहाँ पर कैरोलिन आ जाती है। कैरोलिन को देखकर मैगी को कुछ खाने का स्वाद आने लगता है और इस समय उसकी आंखें भी पूरी सफेद हो चुकी थी। कैरोलिन मैगी की सफेद आंखें देखकर ड्रॉप लाने के लिए किचन में जाती है और वहाँ से ड्रॉप लाकर मैगी को देती है। लेकिन इस बार कैरोलिन अपने हाथ में एक कैंची भी लिए हुई थी क्योंकि उसे मैगी के ऊपर कुछ शक
लग रहा था। खैर अब मैगी के पास ट्रेंट के डैड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसका बेटा ट्रेंट कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। इसलिए अब मैगी उससे मिलने के लिए जाती है। वहां पहुंचने पर वो देखती है कि ट्रेंट ने खुद को एक कमरे में बंद किया हुआ है। वो उसे समझाती है कि तुम बाहर आ जाओ, पर ट्रेंट बाहर आने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपने पिता से खाने की महक आ रही थी और वो बाहर आकर क्वारंटीन नहीं होना चाहता था। तभी यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो ट्रेंट को यहाँ से ले जाने के लिए आए होते हैं। ऑफिसर्स उसे डोर खोलने के लिए कहते हैं लेकिन वो डोर नहीं खोलता, जिससे ऑफिसर्स को ना चाहते डोर को तोड़कर उसे यहाँ से ले जाना पड़ता है। ये सब देखकर मैगी काफी दुखी होती है। अब अगले दिन मैगी को अपने घर में किसी भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपने फादर का गन लेकर उस तरफ निकल पड़ती है। वहाँ जाने पर उसे एक फॉक्स दिखाई देती है जो कि किसी चीज में फंसी हुई थी। ये देखकर मैगी वापस घर चली जाती है। घर आने पर मैगी के फेस पर काफी ज्यादा ब्लड लगा होता है, जिसे देखकर बैड और कैरोलिन काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। मैगी उन दोनों को अपने पास से दूर रहने के लिए कहती है। अब कैरोलिन उसे डॉक्टर के पास क्वारंटीन करने के लिए कहती है, लेकिन बैड अभी भी इस बात पर राजी नहीं था, इसलिए वो मैगी को समझाते हुए शांत कराने की कोशिश करता है। अब मैगी बैड से बताती है कि वो जंगल में गई थी जहां उसे एक फॉक्स दिखी, फिर फॉक्स को उसके अंदर से खाने की खुशबू आने लगी, इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उस फॉक्स को खाने लगी थी। ये सुनकर बैड जंगल में जाता है और उस फॉक्स को शूट करके मार देता है। इसके बाद कैरोलिन बैड से पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है ताकि पुलिस यहाँ आकर मैगी को अपने साथ ले जाए, लेकिन बैड ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि वो मैगी को काफी मिस कर रहा था। अब कैरोलिन बैड के इस बात पर घर छोड़कर जाने लगती है। इसके बाद हम उन दोनों ऑफिसर्स को देखते हैं जो मैगी से मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन बैड उन्हें मैगी से मिलने नहीं देता। इसलिए वो ऑफिसर गुस्सा होकर बैड से कहता है कि अब मैगी को क्वारंटीन करने का समय आ गया है। तभी बैड उसकी बात का विरोध करने लगता है, जिसके बाद वो बैड पर हमला करके उसके हाथ में हथकड़ी लगाने लगता है, लेकिन तभी बैड के हाथ में उसकी कुल्हाड़ी लग जाती है जिससे बैड उस ऑफिसर का गला दबाने लगता है। फिर ना चाहते हुए भी दूसरा ऑफिसर बैड को शूट करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो बैड को शूट करता कि तभी वहाँ मैगी पहुँच जाती है जो दिखने में बिल्कुल ठीक लग रही थी। अब मैगी उन ऑफिसर से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे अभी क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। यहाँ वो ऑफिसर्स भी मैगी को ध्यान से देखते हैं कि उसके हालत में काफी सुधार हो चुका है, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बैड मैगी को उसके मॉम का गार्डन दिखाने के लिए ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी फ्लावर्स लगी हुई थी। बैड मैगी को बताता है कि उसने ये गार्डन उसकी दूसरी मॉम के जाने से पहले ही बनवा दिया था क्योंकि ये गार्डन उसे काफी पसंद था। ये देखकर मैगी काफी खुश होती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। अब मैगी अपने डैड से कहती है कि अगर वो जॉम्बी में बदलने लग जाए तो वो उसे मार दे, यानी वो जॉम्बी बनकर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। साथ ही मैगी बैड से कहती है कि तुम ही ये सब दूर कर सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ने बैड को मैगी के लिए वही मेडिसिन दी हुई है जिसे क्वारंटीन में यूज की जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उसे इन मेडिसिन के बदले गन का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मेडिसिन उसे डेली दर्द देगी, जबकि वो गन उसे इन सब चीजों से मुक्ति दिला देगा। इसके बाद बैड जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मैगी जमीन पर पड़ी हुई है, जिसके बाद वो उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी मैगी उसे काटने लग जाती है, जिसके बाद बैड उसे शांत कराता है और कहता है कि वो उसका फादर है, उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बैड को एहसास हो जाता है कि मैगी की हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जॉम्बी में बदलने लगी है। अब बैड सारी रात कुर्सी पर बैठ कर मैगी पर नजर रखता है, लेकिन सुबह होते ही वो अपनी जगह पर सो जाता है। तभी मैगी उसके पास आती है और इस दौरान मैगी पूरी तरह से जॉम्बी बन गई थी, जिससे उसका पूरा फेस जॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था। फिर मैगी उसे काटने वाली होती है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद पर कंट्रोल कर लेती है। अब मैगी बैड के माथे पर किस करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैगी घर के छत पर जाती है जहाँ उसे अपनी लाइफ के सारे पल याद आने लगते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ से नीचे कूद जाती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप अगली वीडियो मिस ना कर सकें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।